आई नो कि आपको बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि क्लास 10th और क्लास 12th का जो रिजल्ट है टर्म 2 का वो कब आ रहा है। तो इस वीडियो में आपको पूरी ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी आपको बातें बताऊँगा वो पूरी तरह से ऑफिशियल होंगी, बनी बनाई बात कुछ नहीं होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से अपडेट के बाद। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेईई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइनअप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएँ आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फोटो क्लिक करना है एंड उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई लोगों, सबसे पहली बात जो निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है, टू कंप्लीट द इवोल्यूशन प्रोसेस टीचर हैव स्टार्टेड चेकिंग आंसर शीट्स, आपकी कॉपी ऑलरेडी चेक हो रही है। CBSE हैज आज स्कूल्स टू इवेल्युएट ट्वाइस एज मेनी शीट्स, मतलब CBSE चाहता है कि ऑलरेडी हमारे एग्जाम्स जो हैं लेट हो गए थे तो अब वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमारा काम पूरा हो, तो एक आदमी जितनी कॉपी चेक कर सकता है उसकी डबल कॉपी चेक करे। CBSE टर्म टू बोर्ड रिजल्ट्स, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE हैज आज द स्कूल्स टू स्टार्ट द इवेल्यूशन प्रोसेस, स्टार्ट करने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है। द बोर्ड वॉन्ट्स टू प्रिपेयर एंड रिलीज CBSE टर्म टू रिजल्ट्स ऑन टाइम। चिल्ड्रन, यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात ये है वो ये है कि ऑलरेडी तुम्हारे एग्जाम्स कोरोना के चलते बहुत लेट हो गए थे। यूजली जिस टाइम तक तुम्हारा एग्जाम हुए हैं उस टाइम तक तो रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि बच्चों को 10th के बाद 11th में और 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। तो CBSE अब ये नहीं चाहते कि अब और ज़्यादा डिले हो, तो इसलिए CBSE ने क्या किया है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द इवेल्यूशन प्रोसेस ऑन टाइम द टीचर्स हैव स्टार्टेड चेकिंग द आंसर शीट्स, ठीक है। मोर ओवर CBSE हैज ऑल्सो आस्क्ड द स्कूल्स टू इवेल्यूएट ट्वाइस एज मैनी शीट्स एज पॉसिबल, CBSE हैज़ नॉट येट रिलीज द ऑफिशियल डेट। हालांकि ये वाली बात सच है कि CBSE ने अपने अभी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे तो नहीं निकाला है, लेकिन अगर आपको एक एग्जैक्ट डेट बतानी हो तो मैं कहूँगा इट इज़ बीइंग स्पेक्यूलेटेड दैट द CBSE टर्म टू रिजल्ट 2022 विल बी डिक्लेयर्ड विद इन अ मंथ। इसका मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट है जुलाई के स्टार्टिंग में आ रहा है या तो 5-6-7 तारीख को या फिर जून के लास्ट में आ रहा है 28-29-30 को। तो जो मैंने एग्जैक्ट डेट है अगर मैं आपको करूँ तो मेरे हिसाब से 5 जुलाई के आसपास तुम्हारा जो रिजल्ट है वो 100% आ जाना चाहिए, ठीक है।